तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार मूवी जिसका नाम है रेम्बो। ये मूवी एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है जो कि 1917 में आई थी। दोस्तों ये मूवी अपने टाइम की सबसे ट्रेंडिंग मूवी थी, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नॉवल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है केलोगो पिक्चर्स और जानी मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी, क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, उसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था, और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट
टेड कोर्जेप ने, और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों। जी हाँ, कनाडा में रेम्बो मूवी, देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये बता सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपर हिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग
150 लाख जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 से 15 करोड़ खर्च किए गए, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है टेड कोर्चेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडन ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को USA में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करें तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतनी ट्रेंड हुई थी तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी, जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला जो कि 2014 में आया और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ कनाडा में रेम्बो मूवी। देख सकते हैं लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते आप कि ये बता सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोचरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी,
और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही अनबन शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरएक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है। और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों, मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, उसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था। और इस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतनी ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला होगा। बहुत ही शानदार गेम है, अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है।
और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों। जी हाँ, कनाडा में रेम्बो मूवी, देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोचरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही अनबन शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो आइए अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जानी मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी, क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था, और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी,
तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 जो कि हमें देखने को मिला था और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी, जैसे इसका सीक्वल आया रेमबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला जो कि 2014 में आया और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए जो पहले 3 रेमबो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ कनाडा में रेम्बो मूवी। देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं, उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी। और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों हर मूवी की एक ही अनबन शान होती है उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जानी मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है जो कि नाम से ही पता चलता है और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में, तो आप
इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिसको 15 मिलियन यानी कि लगभग 150 लाख जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 से 15 करोड़ खर्च किए गए, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी, क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो भी इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सोच सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला जो कि 2014 में आया और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ, कनाडा में रेम्बो मूवी। देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से एक्सल लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि
मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं उनके साथ रिचर्ड करेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरएक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है। और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों, मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, उसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सोच सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था। और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेमबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम,
जो कि आपने जरूर खेला हुआ है, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेमो फिल्मों ऊपर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेमबो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों। जी हाँ, कनाडा में रेमबो मूवी देख सकते हैं आप। लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मार जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये बता सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात। और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेमबो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने। इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड। और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेमबो के अलावा फर्स्ट ब्लड है। और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड करेना, ब्रायन डेनी। और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है। और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था। और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में।
तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्चेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 जो कि हमें देखने को मिला था और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतनी ट्रेंड हुई थी तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी, जैसे इसका सीक्वल आया रेमबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला जो कि 2014 में आया और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए जो पहले 3 रेमबो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेमबो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ कनाडा में रेमबो मूवी। देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेमबो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोचरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेमबो के अलावा फर्स्ट ब्लड है और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं, उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने, इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएसए जो कि नाम से ही पता चलता है।
और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट टेड पोर्चेप ने और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विन डीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला होगा। बहुत ही शानदार गेम है, अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ, कनाडा में रेम्बो मूवी। देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये बता सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन। और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है। और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि
इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड करेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही अनबन शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों, मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था, और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने, और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड करेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतनी ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया,
उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम में देखने को मिला जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले तीन रेमबो फिल्म के ऊपर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेमबो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ, कनाडा में रेमबो मूवी, देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेमबो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोचरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेमबो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं, उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरएक्टिव ने, इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1980 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1980 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी, क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि ये मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था, और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए।
अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है टेड पोर्चेप ने, और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करें तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेम्बो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेम्बो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेम्बो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों। जी हाँ, कनाडा में रेम्बो मूवी, देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये जा सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेम्बो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेम्बो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं, उनके साथ रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जानी मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी
का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है, और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिसको 15 मिलियन यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी, क्योंकि दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, उसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सुन सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था, और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन कैट टेड कोर्जेप ने, और इस मूवी को रिटर्न किया सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेमबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला, जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेम है। अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेमबो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेमबो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों, जी हाँ, कनाडा में रेमबो मूवी। देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर वर्ल्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये बता सकते हैं कि इस मूवी की हाइप आज के जमाने में कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी के ऊपर बात, और आई होप यू विल एंजॉय, सो प्लीज कीप लिसनिंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो रेमबो मूवी को डायरेक्ट किया है टेड कोटचेरेफ ने, इसको रिटर्न किया गया है माइकल कोजोल, विलियम सेकिम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, और ये मूवी बेस्ड है डेविड मोरेल के द्वारा लिखे गए एक नोवेल जिसका नाम है फर्स्ट ब्लड, और उसी के नाम पे इस मूवी का नाम भी रेमबो के अलावा फर्स्ट ब्लड है, और ये फर्स्ट ब्लड के नाम से काफी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। तो इस मूवी को प्रोडक्शन किया गया है बज फिक्शन के द्वारा,
तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, क्योंकि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े हीरो ने काम किया है। तो इसमें लीड एक्टर में हमें देखने को मिलते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ रिचर्ड करेना, ब्रायन डेनी, और इस मूवी में छायांकन हमें एंड्रयू लाजरो द्वारा देखने को मिलता है। इस मूवी को संपादित किया है जॉन चैपमैन ने। और हाँ दोस्तों, हर मूवी की एक ही आन बान शान होती है, उस मूवी का म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ही उस मूवी को सुपरहिट करवाना एक अहम भूमिका रखता है। तो इस मूवी को म्यूजिक दिया है जेरी गोल्डस्मिथ, जो कि हॉलीवुड के एक जाने माने म्यूजिशियन है। तो ये अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो इस मूवी को मैन्युफैक्चर किया है वालिस इंटरेक्टिव ने। इस मूवी की कंपनियां है कैलोगो पिक्चर्स और जाने मानी कंपनी एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एनवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी को वितरित किसने किया। तो इस मूवी के कॉपीराइट्स ओरियन पिक्चर्स के पास है, जो कि उसने 10 मिलियन देकर खरीदे थे। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो इस मूवी को 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस मूवी की टाइमलाइन 93 मिनट है, जो कि लगभग 1.5 घंटा होती है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम है, तो आप इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस मूवी का कंट्री नेशन है यूएस है, जो कि नाम से ही पता चलता है। और इसकी बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट 15 मिलियन था दोस्तों, वो भी 1900 में। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की बजट जिस पर 15 मिलियन, यानी कि लगभग 150 लाख, जो कि 15 करोड़ होते हैं, 1900 में 15 करोड़ खर्च किए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर से देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी मूवी की सक्सेस को हम अगर देखना चाहें तो हम उसके बॉक्स ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी। क्योंकि दोस्तों, मूवी का बॉक्स ऑफिस हमें बताता है कि मूवी हिट रही या फ्लॉप, इसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी है। तो आइए बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों, ये मूवी 15 मिलियन के बजट में बनी थी, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सुन के चौंक जाएंगे। तो इस मूवी का कलेक्शन 125 मिलियन दोस्तों, जो कि इसके बजट से लगभग 10 गुना है। तो आप सोच सकते हैं ये मूवी कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1982 की नंबर 1 मूवी थी, क्योंकि उस वर्ष इसने नंबर 1 मूवी का अचीवमेंट किया था। और उस मूवी को कई अवार्ड भी मिले थे, जहाँ पे ये 20 बार नॉमिनेट हुई थी और उसमें 17 बार इसने अपने नाम किए। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि जो मूवी इतनी सुपरहिट हो और उसके कैमियो या फिर उसके पार्ट्स ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो फर्स्ट ब्लड 1982 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन किया है टेड कोर्चेप ने, और इस मूवी को रिटर्न किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई है, जो कि एक जाने माने एक्टर है हॉलीवुड के। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रैम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रैंडनी ने शेरिफ विंटीजल की भूमिका निभाई है। ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि जो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसके सीक्वल्स बनते ही है, तो इस मूवी के भी सीक्वल्स बने हैं, जो कि है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि हमें देखने को मिला था, और वो भी इसी की तरह बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज को लेकर। तो फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को यूएसए में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी 125 मिलियन की कमाई करके घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और आज प्रेजेंट टाइम पे भी बात करते तो दुनिया में 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो इसी बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाइप वाली मूवी रही होगी। तो इसके साथ हम बताते हैं कि ये मूवी
जो इतने ट्रेंड हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बनी। जैसे इसका सीक्वल आया रेमबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2, जो कि 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद हमें इसका एक वीडियो गेम भी देखने को मिला जो कि 2014 में आया, और इस वीडियो गेम का नाम था रेमबो द वीडियो गेम, जो कि आपने जरूर खेला हुआ। बहुत ही शानदार गेम है, अगर नहीं खेला है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और देखिए, जो पहले 3 रेमबो फिल्मों पर बेस्ड है। तो और इसी के साथ ही रेमबो की एक मूवी का भी अनावरण किया गया दोस्तों। जी हाँ, कनाडा में रेमबो मूवी, देख सकते हैं आप लोगों के बीच कितनी हाइप है इस मूवी की। और इस मूवी को फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। 2017 में से इट्स अ लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर बर्ड में किया गया। तब यह दिखाई देता है कि जब खिलाड़ी मर जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये बहुत शानदार मूवी है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी जाके देखिए। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।